நமோ ஹரிஹந்தாரம் நமோ சித்தாரம் நமோ ஆயரியாரம் நமோ வஜ்ராயணம் நமோ வைசவ சாகுணம் கேசவ பச்சனம் பரவசவ பவ பிரசவ மங்களான புஷவேசின் பிரமமாவே மங்களம் தர்சனம் தேவ தேவசிய தர்சனம் பாபநாசனம் தர்சனம் ஸ்வர்க சோபானம் தர்சனம் மோக்ஷ சாதனம் ஓம்காரம் பிந்து சேமிக்கம் நித்தியம் தயந்தி யோகின காமதம் மோட்சதம் செய்வ ஓம்காராய நமோ நம மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதம் பிரபு மங்களம் ஸ்கூல பத்ராதியா ஜெயின் தர்மோஸ்கு மங்களம் அனந்த் உபகாரி அனந்த் கல்யாண்ய கர்ணாரா தாரக தீர்த்தங்கர் சமண் பகவான் மகாவீர் சுவாமியே આ સંસાર સમુદ્રથી તરવા માટે અને મોક્ષ સુખની પ્રાપ્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ધર્મ તીર્થની સ્થાપના કરી. કોણ સા વિષય ચલ રહા થા? જય વિહરાય સૂત્ર કા અર્થ ચલ રહા થા, જિસમે માર્ગાનુસારી કે 35 ગુણ હમ સમજ રહે થે. આત્મ વિકાસ કે કોણ સે 35 ગુણ હૈ યે હમ સમજ રહે થે. નિંદ પ્રવૃત્તિ કા ત્યાગ, નિંદ પ્રવૃત્તિ કા ત્યાગ. એસે કોઈ ભી કાર્ય હમે નહીં કરને ચાહીએ जिस जो समाज में निंदनीय हो, ऐसे सभी कार्यों का त्याग करना चाहिए. जिसमें सबसे मेन पॉइंट आता है व्यसन का त्याग. व्यसन का त्याग, व्यसन वैदिक ग्रंथों के अनुसार 18 प्रकार के व्यसन हैं और जैन आचार्यों और जैन ग्रंथ के अनुसार 7 व्यसन मेन हैं और बाकी सारे व्यसन इन 7 व्यसनों के अंदर ही समा जाते हैं. इसलिए जैन ग्रंथों के अनुसार 7 व्यसन बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला व्यसन जुआ खेलना. जुआ खेलना एक व्यसन है. जुआ यानी कि क्या? कम पुरुषार्थ में कम मेहनत से और जल्दी से जल्दी ज़्यादा धन कमाने की लालसा जुआ है. फिर जुआ में बहुत सी सब तरह के जुआ उसके अंदर आ जाते हैं. फिर चाहे वो पोकर गेम हो, 3 पत्ती हो, रूलेट हो, रेस कोर्स, जो भी गेम हो जिसमें पैसे लगाए जाते हो. और कोई उदाहरण कोई देना चाहेगा, क्रिकेट भी, क्रिकेट में भी लोग पैसे लगाते हैं. तो क्रिकेट में जो पैसे लगाते हैं कि अगले बॉल में क्या होगा, 6 होगा तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, 1 रन होगा तो तू मुझे इतने पैसे देगा, ये सब गैम्बलिंग जुआ के अंतर्गत आता है. अभी फुटबॉल क्रिकेट चल रहा है, उसमें कई लोग गैम्बलिंग करते हैं. गैम्बलिंग करते हैं किस लिए? लोभ से, जल्दी कम मेहनत से जल्दी पैसे कमाने के लिए. लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि गैम्बलिंग लोभ का बेटा है, लेकिन फिजूल खर्ची का माँ बाप गैम्बलिंग है. फिजूल खर्ची का माँ बाप क्यों? क्योंकि पहले तो गैम्बलिंग करने के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए पैसा लगाता है, थोड़ा पैसा हारता है तो और दुगना पैसा लगाता है ताकि वो पैसे वापस कमाए, फिर वापस दुगना, ऐसे करते करते खाली होते चलता है. और गैम्बल किए हुए पैसे से अगर कभी थोड़ा ज़्यादा कमा भी जाता है तो फिजूल खर्ची में गंवा देता है. इसलिए गैम्बलिंग लोभ का बेटा है, लेकिन फिजूल खर्ची का माँ बाप है. इसलिए गैम्बलिंग जुआ नहीं करना चाहिए. जो भी व्यसन करता है वो इस भाव में तो उसके लिए दुख मिलता ही है, लेकिन पर भाव में भी नरक या अन्य गति में जाके भी उसे दुख सहन करना पड़ता है. तो सबसे पहले हमने समझा जुआ. अभी के समय में पोकर, 3 पत्ती, ब्लैक जैक, रूलेट, स्लॉट मशीन और स्पोर्ट्स में गैम्बलिंग बहुत चल रहा है, जिसमें कुछ लोग, गुजरात में तो सुना है कि कुछ तिथि आती है, अमुक दिन आते हैं तब पूरा मार्केट बंद रहता है. मार्केट बंद करके लोग घर में पत्ते खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं. ऐसा हमारे घर में ना हो, इसलिए हमें सचेत रहना है और हमें हमारे घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझाना है कि हमें किसी तरह गैम्बलिंग नहीं करना है. इसलिए गैम्बलिंग से बचना है. कोई भी खेल में हमें पैसे नहीं लगाना है. हमने शास्त्र में भी पहले उदाहरण देखे हैं, जिससे महाभारत में युधिष्ठिर का उदाहरण देखा है, जिसे गैम्बलिंग की गंदी आदत थी. गैम्बलिंग एक बार करने बैठे तो जल्दी से उठ ही नहीं पाए और गैम्बलिंग करते करते अपना धन हारा, महल हारा, अपने भाइयों का हारा, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी हारा. इसलिए गैम्बलिंग के दुर्गुण हमें पहले ही पता है. तो सबसे पहला जुआ, उसके बाद मांसाहार. मांसाहार को भी एक व्यसन बताया है, क्योंकि एक बार इसका जो टेस्ट लग जाता है
व्यक्ति बार बार इसका भोग करता है। इसलिए मांसाहार हमें कभी भी चखना ही नहीं है, खाना तो दूर चखना ही नहीं है। मांस को मांस माँ और स को अलग करें और उसका अर्थ गठन करें तो इसका अर्थ ये भी निकलता है, मैं जिसे खा रहा हूँ आज कल वो मुझे खाएगा। मांसाहार हमें नहीं करना है। हमारा शरीर की रचना भी जिस तरह से हुई है वो मांस भक्षण के लिए नहीं हुई है। जो मांसाहारी प्राणी है उनके शरीर की रचना और मनुष्य के शरीर की रचना अगर हम चेक करें, कंपेयर करें, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि मनुष्य को मांस का आहार नहीं लेना चाहिए। पशु जो मांस भक्षी पशु हैं उनके हाथ उनके नाखून इस तरह से बने होते हैं कि अपने हाथों से पशु दूसरे अन्य पशुओं को चीर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ ऐसे नहीं है कि हम अन्य पशुओं को चीर सकें। जो लोग मांसाहार करते हैं वो कोई औजार का इस्तेमाल करते हैं, शार्प वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं मांस को काटने के लिए। ये एक पॉइंट है कि हम मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। जो लोग मांस खाते हैं, जो पशु मांस खाते हैं, उनके शरीर की रचना अलग से है, उनके दांत अलग तरह के होते हैं, ज़्यादा ही नुकीले होते हैं, लेकिन हमारे दांत उस तरह के नहीं हैं। जो लोग मांस खाते हैं वो लोग मांस को अलग से पकाते हैं, बहुत पकाने के बाद खाते हैं और वो हजम करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि मांस खाना ही नहीं चाहिए, वो मनुष्य के शरीर की प्रकृति नहीं है, इसलिए मांस का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग समझते हैं कि मांस में बहुत ज़्यादा टेस्ट है तो वो लोग मांस को अगर रॉ खाएंगे तो पता चलेगा कि टेस्ट मांस का नहीं है, उसमें डाले हुए मसाले, उसको जिस तरह से बनाए जाते हैं घी तेल मसाले डालने के बाद उसमें टेस्ट आता है, ऐसे ही उसमें टेस्ट नहीं है। इसलिए मांस का ग्रहण मनुष्य के प्रकृति के विरुद्ध है, मांसाहार करना ही नहीं चाहिए। और मांसाहार स्वास्थ्य को कई तरह से हानि करता है, इसके कई प्रामाणिक पॉइंट्स आपको गूगल में भी मिल जाएंगे कि मांस क्यों ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में किस किस तरह की हानि होती है। और धार्मिक रूप से अगर देखें, अगर हम किसी जीव को तकलीफ पहुंचाते हैं तो हम अशातावेदनीय कर्म का बंद करते हैं। अशातावेदनीय कर्म जब हृदय में आता है तो हमारे शरीर में किसी न किसी तरह का रोग व्याधि तकलीफ आती ही है। इसलिए अगर हम किसी जीव को हानि पहुंचाते हैं, मांसाहार करते हैं, तो उसका हमें अशाता यानी कि शरीर में किसी तरह का रोग किसी तरह का दुख सहन करने में आएगा, इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। प्रायः सभी धर्म में मांसाहार त्याग करने की बात की गई है। आप जितने भी धर्म लो, मेरा एक पंजाबी फ्रेंड था, सिख फ्रेंड था, तो उसको मैंने पूछा कि मांसाहार क्या आप लोग में है कि करना चाहिए, तो उसमें वो बोलता है नहीं, हमें हमारे भी जो धर्म गुरु हैं वो लोग भी मांस का त्याग करते हैं। तो हम समझ रहे थे मांसाहार नहीं करना चाहिए, हमारा शरीर मांस का आहार करने के लिए नहीं बना है, और मांसाहार करने से किसी न किसी तरह शरीर में रोग अभी या बाद में आएगा ही आएगा। सबसे पहला पॉइंट सात व्यसन, सबसे पहला पॉइंट क्या था? जुआ गैम्बलिंग। दूसरा पॉइंट मांसाहार नॉन वेज ग्रहण करना। महाविगय, चार महाविगय में एक महाविगय मांसाहार है। महाविगय इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि मांस खाने से हमारे अंदर विकृत विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर खराब विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम मांस नहीं खाना चाहिए। कहते हैं जैसा आहार वैसा विचार, जैसा आहार वैसा विचार, इसलिए मांसाहार अगर करेंगे तो हमारे विचार भी उस तरह के होंगे, हमारा मन और तामसी होगा और गलत कार्य करने के लिए उत्तेजित होगा, इसलिए भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। महाविगय में से एक महाविगय है मांसाहार। सबसे पहला गैम्बलिंग, दूसरा नॉन वेज फूड। अच्छा, नॉन वेज फूड में क्या अंडे खा सकते हैं? क्या वेजिटेरियन अंडे खा सकते हैं? आजकल नया चलन निकला है वेजिटेरियन अंडे हैं, क्या वेजिटेरियन अंडे खा सकते हैं? नहीं, वेजिटेरियन अंडे जैसी कोई चीज़ नहीं है, अंडे में भी जीव है
और उस जीव की हत्या करेंगे तो असाधावेद्य कर्म का बंद होगा ही होगा। इसलिए ये दिमाग से निकाल दें कि वेजिटेरियन अंडे नाम की कोई चीज़ है। एडवर्टाइजमेंट्स बहुत आती हैं, रोज खाओ अंडे एडवर्टाइज होती है। जो व्यक्ति जो धंधा करता है वो हमेशा ही चाहेगा कि उसका व्यापार बढ़े। इसलिए जो अंडे का व्यापार करता है वो चाहेगा कि अंडे का व्यापार बढ़े, जो मांस का व्यापार करता है वो चाहेगा कि मांस का व्यापार बढ़े। ये लोग व्यापार बढ़ाने के लिए इसके गुणों को दिखाते हैं और अवगुणों को छिपाते हैं। अगर हम इन सब के अवगुणों को समझेंगे तो पता चलेगा कि इसमें इतने गुण है ही नहीं कि इसको ग्रहण किया जाए। और अंडे से कहीं ज़्यादा दूध उपयोगी है, दूध छाछ ये उपयोगी है, इसमें हमें पोषण अच्छा मिलता है। सोयाबीन दाल ये सब हम खा के पोषण पा सकते हैं, इसके लिए हमें अंडे खाने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई व्यक्ति फॉरेन टूर करके आता है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए चॉकलेट्स लेके आता है, तो आप वो चॉकलेट्स खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आपको मैं भी अगर चॉकलेट दूँ तो सबसे पहला काम आपको करना है उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं। कोई व्यक्ति है और वो आपको कुछ गिफ्ट देता है तो आँख बंद करके उस पर विश्वास करके वो वस्तु नहीं खानी है, उसके इंग्रेडिएंट्स पहले पढ़ने हैं। हमारे घर में भी कभी कोई लोग चॉकलेट गिफ्ट करते हैं जो जैन है, लेकिन जब हम उसके इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं तो पता चलता है इसमें एक साफ साफ अक्षर में लिखा है कि लोग घूमने गए होते हैं और अपने परिचित लोगों को कुछ देना है, अब जल्दी जल्दी कुछ खरीद लेते हैं, चॉकलेट्स दे देते हैं, इंग्रेडिएंट्स पढ़ने का टाइम तो सबको होता नहीं, और बहुत लोग एक खाते हैं तो उनको चलता है, तो वो लोग इंग्रेडिएंट्स पढ़ते ही नहीं है, तो जाने अनजाने में वो लोग ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जिसमें एक होता है। इसलिए कोई भी वस्तु आपको कोई भी गिफ्ट करे बिना इंग्रेडिएंट्स पढ़े हमें वो वस्तु नहीं खानी है। तो सबसे पहले आपको कोई चॉकलेट देगा तो आप क्या करोगे? केक। केक भी ज़्यादातर जगह पे केक एग और ईस्ट से बनता है। मैंने कई जगह होटलों में रेस्टोरेंट्स में शेफ लोगों को पूछा है कि ये केक जो बनता है बिना एग और बिना ईस्ट के क्या अच्छा बनेगा, तो वो लोग बोलते हैं मेजॉरिटी जगह उसमें एग और ईस्ट गिरता है तभी वो एक सॉफ्ट फ्लफी होता है और अच्छे से फूलता है, इसलिए वो लोग एग और ईस्ट ज़्यादातर जगहों में प्रयोग करते ही हैं। इसलिए हमें एग का कितना बाहर दो लोग मिलने को, इसलिए हमें एग या एग की बनी हुई वस्तु नहीं खानी। केक को भी इसलिए मना किया गया है खाने के क्योंकि लोग ईस्ट और एग डाल के केक बनाते हैं, इसलिए ये नहीं खाना चाहिए। आप अपने घर में केक जैसी वस्तु अगर बनाते हैं बिना ईस्ट बिना एग जैन तरह से तो वो अलग बात है, लेकिन बाहर का अगर हम केक खाते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि उसमें एग है या नहीं, वो पता करने का कोई तरीका है ही नहीं। और पहला था गैम्बलिंग, दूसरा था नॉन वेजिटेरियन या मांसाहार, थर्ड पॉइंट मद्यपान। ये मद्यपान के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अल्कोहल, जैसे ड्रग्स, अफीम, गुटखा, तंबाकू, चरस, गांजा, भांग, स्मोकिंग, ये सब जो भी नशे करने की चीज़ें हैं ये सब इसके अंदर आ जाता है। कौन सा पॉइंट चल रहा है? मदिरापान। इसमें अल्कोहल, अब अल्कोहल में सारी अल्कोहल आ गई, बियर, रम, विस्की, स्कॉच, फिर देसी, विदेशी, फैनी, अलग अलग तरह के नाम हैं लेकिन सब में अल्कोहल है। अल्कोहल केमिकली देखें तो इथेनॉल, अल्कोहल। ऐसे पदार्थ ग्रहण करने से हम विवेक बुद्धि खोते हैं, हमारे रिफ्लेक्सेस कमज़ोर होते हैं, इसीलिए ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। इसलिए ऐसा कानून भी बना है कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, क्योंकि ये साफ साफ पता चलता है कि जो ड्रिंक करता है उसके रिफ्लेक्स एक्शन, उसके मोटर स्किल्स वीक हो जाते हैं। इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव कानून भी बना हुआ है कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। और एक कानून ऐसा भी बना है, एक लॉ ऐसा भी बना है
कि टीवी में कमर्शियल साफ साफ ऐसे पदार्थ का नहीं कर सकते, टीवी में कोई अल्कोहल का प्रचार नहीं कर सकता है, लेकिन इसका भी लोगों ने इनडायरेक्ट वे निकाल लिया है। जो भी अल्कोहल बेचने की कंपनी है वो लोग सरोगेट तरह से, अलग तरह से कुछ और दिखा के अपने अल्कोहल का भी प्रचलन करते हैं। वो लोग या तो सोडा की बोतल का व्यापार दिखाते हैं या फिर मिनरल वाटर का व्यापार दिखाते हैं, और ये दिखा के वो लोग अपना अल्कोहल का ब्रांड और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो व्यसन मुक्ति में थर्ड नंबर का व्यसन कौन सा है? मद्यपान या मदिरापान, जिसके अंदर जो भी चीज़ करने से हमें नशा होता है वो सारी चीज़ें, सारे पदार्थ इसमें आ जाते हैं। ये शुरू कहाँ से होता है? गर्भवती माता तो अल्कोहल ग्रहण नहीं करती मेजॉरिटी जगह, साइंटिफिकली भी गर्भवती माता को अल्कोहल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें लिखा है प्रेग्नेंट वुमन शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल, क्योंकि उसका प्लेसेंटा के थ्रू वो बेबी के अंदर भी जाता है और बेबी के मस्तिष्क और उसके शरीर के विकास में वो बाधक बनता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को तो अल्कोहल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि बच्चों को संस्कार गर्भ से तो नहीं मिले, बच्चों का जन्म हुआ, अल्कोहल कब शुरू हुआ? कुसंगत से शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो प्री स्कूल में भी नहीं, फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स कजिन्स ऐसे बनते हैं कि हैंग आउट शुरू होता है और नाइट आउट शुरू होता है। हैंग आउट और नाइट आउट, रात को मिलते हैं या बाहर घूमने जाते हैं, सिर्फ बच्चे हैं, कजिन से एक उम्र के हैं, मस्ती करनी है, मौज करना है और मनोरंजन करने के लिए चलो आज ये ले लेते हैं, आज वो ले लेते हैं। एक बार क्या कहते हैं, हर चीज़ एक बार ट्राई करनी चाहिए। ये एक मूर्खता का प्रदर्शन है, हर चीज़ एक बार ट्राई करनी चाहिए। क्या आप लोग ये समझते हैं कि हर चीज़ एक बार ट्राई करनी चाहिए? आप लोग भी ये बात से मानते हैं, हाँ या ना? ना। स्मार्ट व्यक्ति वो होता है जो गलती एक बार करने के बाद सुधर जाता है और वो गलती नहीं करता, उसे स्मार्ट व्यक्ति कहते हैं। वाइज व्यक्ति वो होता है दूसरों की गलती देख के वो गलती करता ही नहीं, कि ये मूर्खता का प्रदर्शन मुझे करना ही नहीं। जब पता ही है अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए खराब है, जब पता ही है ये शुरू सिर्फ चखने से होता है, सिर्फ एक बार ट्राई करने से शुरू होता है और लत कब लग जाती है पता भी नहीं चलता। तो वाइज व्यक्ति वो है जो ये व्यक्ति ट्राई ही नहीं करता कभी। इसलिए आपके जीवन में आपके कई कई लोगों ऐसे संपर्क में आएंगे, कई मित्र ऐसे बनेंगे, कई कजिन्स ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे एक बार ट्राई तो कर, तू जीवन भर याद रखेगा, तू मुझे याद रखेगा, ऐसा मजा तूने कभी नहीं किया होगा, एक बार ट्राई तो कर। ये ट्राई एक बार करता है, फिर पहले एक ग्लास पीता है, फिर वो ग्लास दूसरा ग्लास पीता है और फिर वो ग्लास वो व्यक्ति को ही पी जाता है। मैन टेक्स अ ग्लास, दैट ग्लास टेक्स अनदर ग्लास एंड द ग्लास टेक्स द मैन। शुरू होता है थोड़ा सा टेस्ट करने से, सिर्फ एक ही ग्लास, अरे आज बहुत दुखी हूँ इसलिए पीना है, आज बहुत दुखी हूँ इसलिए पीना है, आज बहुत खुश हूँ सेलिब्रेट करना है इसीलिए पीना है, यार आज बहुत बोर लग रहा है इसलिए पीना है, आज बहुत दिनों के बाद सब मिले हैं इकट्ठा हुए तो चलो पी लेते हैं। पीने के हजार कारण बताएंगे, लेकिन हमें वो टेस्ट भी नहीं करना है। और ये व्यसन से बचने का सबसे बेस्ट उपाय है निमित्त से दूर रहना है। निमित्त से दूर रहना है मतलब ऐसी कोई जगह जाना ही नहीं है जहाँ पे वो व्यसन करने की नौबत एक बार आए। जब पता है कि हम लोग हमारे फ्रेंड्स नाइट आउट में अगर आज ड्रिंक करने ही वाले हैं तो ऐसे नाइट आउट में हमें जाना ही नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, शुरू शुरू में मेरे फ्रेंड्स मिलते थे, रात को नाइट आउट करते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे, फिर धीरे धीरे ग्रुप और बड़ा हुआ और कुछ फ्रेंड्स ऐसे जुड़े कि उसमें फिर मांसाहार और अल्कोहल चालू हो गया। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ये ग्रुप जब जब नाइट आउट करते थे, मैं कभी भी ऐसे नाइट आउट में नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मांसाहार
या अल्कोहल होने वाला है। अगर मांसाहार नहीं भी होगा तो अल्कोहल तो लोग लेने ही वाले हैं। मांसाहार से तो बहुत दुर्गंध आएगी, तो उससे तो हम दूर भागेंगे, लेकिन अगर सिर्फ लोग ड्रिंक करते हैं तो उसमें ज़्यादा दुर्गंध दूर से महसूस नहीं होती। पास जाने से पता चलता है लेकिन दूर से पता नहीं चलता। इसलिए ऐसी जगह में लोग अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं जहाँ ड्रिंक करते हैं, ऐसी जगह भी हमें नहीं जाना है। हमारे फ्रेंड्स या तो हमें चुने या तो ड्रिंक चुने, आप दो ऑप्शन रख सकते हैं। आप लोग अगर ड्रिंक नहीं करने वाले तो हम आपके साथ कहीं आ सकते हैं, अगर आप ड्रिंक करने वाले हो या मांसाहार करने वाले हो तो हम ऐसी जगह में हम बैठ नहीं पाएंगे। आप कुछ भी कारण बताइए, आप बताइए हमारे माता पिता ने सौगंध दी है, हमारे गुरु भगवान ने सौगंध दी है, कुछ भी कारण बताइए, लेकिन ऐसे निमित्त से ही दूर रहना है। और आप अगर गूगल भी करेंगे तो अल्कोहल के हज़ारों साइड इफ़ेक्ट्स आपको गूगल में मिलेंगे कि अल्कोहल पीने के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अल्कोहल पीने से, मांसाहार करने से कैंसर भी हो सकता है, ये पीने से हमारे मोटर स्किल्स, ड्राइविंग स्किल्स, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन ये सब कमज़ोर होते हैं, हमारी मेमोरी पावर वीक होती है। 444 ग्रंथ के रचयिता श्री हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने एक जगह में लिखा है कि मद्यपान करने से 16 या 16 से ज़्यादा दोष बताए हैं, जिसमें से एक दोष ये है कि हम विवेक बुद्धि खो बैठते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता हम किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस इमोशन के सामने हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ये हम विवेक बुद्धि खो बैठते हैं। फिर धीरे धीरे हम सुसंगत खो बैठते हैं और कुसंगत बढ़ता है। खराब कुल के व्यक्तियों का संगत बढ़ता है और अच्छे कुल के व्यक्तियों से संगत छूटने लगता है। समाज में हमारा नाम खराब होने लगता है, समाज में हमारा नाम खराब होता है। तो इस तरह से अलग अलग दुर्गुण बताएं, और गूगल में भी आप देखेंगे तो उसके बहुत सारे हेल्थ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एक ग्लास रेड वाइन इज़ गुड फॉर हेल्थ, लेकिन ऐसे लोगों को मैंने एक ग्लास पी के रुकते हुए नहीं देखा, एक ग्लास पी के रुकते हुए नहीं देखा। शुरू शुरू में थोड़ा से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाता है कि कंट्रोल के बाहर चला जाता है। कहते हैं एक ग्लास अच्छा है, लेकिन एक ग्लास में वो खुद व्यक्ति भी कभी एक ग्लास में स्टॉप नहीं होता। और अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, ये सब के धंधे लोग कई सालों से करते चल रहे हैं। पहले जो व्यापार कर रहे थे वो लोग क्या दिखाते थे, देर इज नो डायरेक्ट साइंटिफिक एविडेंस टू शो दैट स्मोकिंग या अल्कोहल डायरेक्टली लीड्स टू बैड हेल्थ इफेक्ट्स। ये लाइन दिखा के लोग अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको ये सब का व्यापार अच्छे से करते थे, लेकिन अब साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि हेल्थ के लिए ख़राब है। और ये प्रूव होने के बाद आप अगर मूवी भी देखने जाते हैं तो सबसे पहले एक चेतावनी वार्निंग साइन आता है कि हम लोग स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको के सख्त खिलाफ हैं और हम लोग इसका प्रचार करने में नहीं मानते हैं। सबसे पहले मूवी देखेंगे तो सबसे पहले ये आएगा कि पहले मूवी में भी जो लोग ये धंधे करते थे, ये बिजनेस करते थे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, मूवीज़ में भी इन्फ्लुएंस करते थे कि आप अपने एक्टर एक्ट्रेस को इस तरह से स्मोक करते हुए दिखाइए, ड्रिंक करते हुए दिखाइए, स्टाइल से ग्लास पकड़ते हुए दिखाइए, इस तरह से आपको दिखाते हैं कि आपको आकर्षण करने की कोशिश करते हैं। तो जो इस तरह के व्यापार करते थे वो लोग फिल्म इंडस्ट्री या टीवी कमर्शियल वगैरह यूज़ करके व्यापार बढ़ाने के लिए इसे आकर्षित बना के दिखाते थे और लोग इस आकर्षण में पड़ के इसका भोग करते थे। लेकिन अब साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है और हमें इस व्यसन से बचना है। और इन सब को व्यसन से कैसे बचाया जाए, ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। किस तरह से व्यसन से अपने परिवार को बचाया जा सकता है, ये सब हम सबको सोचना है। आप सब ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका परिवार ये व्यसन से बचा हुआ रह सके, क्योंकि फ्रेंडशिप बढ़ रही है, कजिन्स के साथ फ्रेंडशिप, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कॉलेज गुरु, स्कूल गुरु, ट्यूशन गुरु,
अलग अलग तरह के ग्रुप बन रहे हैं, और ये ग्रुप में कौन कहाँ जाके क्या करता है ये माँ बाप को पता नहीं चलता। तो अपने परिवार को आप इस तरह के व्यसन से कैसे बचाएंगे? आप लोग समझते हैं कि ये व्यसन बुरी बात है? सबसे पहले आप लोग सब मानते हैं हाँ या ना? तो आप लोग अपने परिवार को व्यसन से बचाना चाहते हैं वापस? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ना बोलेंगे। अगर आपका आपको पता चलता है कि आपका बेटा आज पी के आया है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपका एक्शन क्या होगा उसके अगेंस्ट? मारेंगे, समझाएंगे, घर के बाहर निकाल देंगे, हाँ ग्रुप में जाना बंद करवा देंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस बताए। अभी का जो वर्ग है, अभी के जो बच्चे हैं या यंग जनरेशन है, उन्हें मारने से या घर के बाहर निकालने से क्या लगता है कि इससे हम व्यसन से हम बचा पाएंगे? और जाने का भी डर है, प्लस घर से बाहर जाएगा तो ये व्यसन तो छोड़ो और कितने व्यसन में डूबेगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा एक थप्पड़ में सुधर जाएगा और आप थप्पड़ लगा दो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं थप्पड़ से यहाँ काम नहीं बनेगा, यहाँ प्यार मोहब्बत से ही काम करना पड़ेगा, भले वो कितना भी खराब व्यसन करके आया है, कितना भी ड्रिंक करके आया है, उसे प्यार से समझाना है, उसे रो कर समझाना है, अपना दुख दिखा कर समझाना है। अगर हम उसे ज़ोर से मारेंगे और वो और ज़्यादा उसमें डूबेगा तो वो हमारा मारना काम नहीं आएगा। इसलिए हमारा एक्शन भी ऐसा होना है कि वो व्यसन में ज़्यादा ना जाए, उससे बाहर निकले। और उसे बाहर निकालने के लिए आप हर कोई प्रयास करें, अपने परिवार को व्यसन से बाहर निकालने के लिए हम सबको प्रयत्नशील रहना है। आज कई जगह ऐसी बातें सुनने मिलती है, आलू प्याज नहीं खाने की बातें करते हो, लेकिन आपके कितने लोग आज अल्कोहल पीते हैं? और ये बात सुनकर हमें मौन रहना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि कई लोग भी ड्रिंक करते हैं, क्योंकि ड्रिंक करना हाई स्टेटस, फैशनेबल लगता है, मज़ा आता है, मनोरंजन लगता है, और हमें प्रयत्न करना है। ये सिर्फ जैनों के बच्चों के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र को व्यसन से बचाना है। व्यसन मुक्ति सिर्फ जैनों में नहीं बताया गया, हर धर्म में व्यसन की मुक्ति बताई गई है। बौद्ध धर्म में भी ये कहा है कि जो व्यसन करता है वो माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और बौद्ध धर्म में ये बताया है कि माइंड पे कंट्रोल रखना है, मेडिटेशन करना है, माइंड पे कंट्रोल करना है उनके धर्म। और व्यसन करने से माइंड पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, इसलिए व्यसन का त्याग करना चाहिए। अन्य सभी धर्म में भी व्यसन का त्याग करने की बात बताई है। ये सिर्फ हमारे समाज के लिए नहीं, हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए भी हमें करना है। महात्मा गांधी ने भी व्यसन का त्याग करने की बात बताई है। महात्मा गांधी ने बताया है कि मद्यपान तो नहीं ही करना चाहिए, मद्यपान तो वेश्यागमन से और परस्त्रीगमन से भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि मद्यपान करके लोग ऐसी चीज़ें और ज़्यादा करते हैं, मद्यपान करके लोग सूझबूझ होके और ज़्यादा वेश्यागमन और परस्त्रीगमन में जा गिर जाते हैं, इसलिए उन्होंने मद्यपान को और ज़्यादा खराब बताया है। जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, जितने भी पंडित हो चुके हैं, ऋषि मुनि हो चुके हैं, नेशनल फिगर्स हो चुके हैं, वो सब भी जाहिर में मद्यपान का विरोध करते हैं। सबको मद्यपान से बचना है और इसका विरोध करना है। व्यसन में पहले 3 पॉइंट बताइए, गैम्बलिंग या जुआ, दूसरा पॉइंट मांसाहार, तीसरा पॉइंट मद्यपान या मदिरापान। और एक बात है, लोग जब घूमने जाते हैं तो ऐसा क्राइटेरिया है कि जो जहाँ गैम्बलिंग होती है, कैसीनो में जाने के लिए 18 साल के ऊपर हो तो वही लोग जा सकते हैं। इसलिए बच्चों में एक तरह से उत्सुकता होती है कि मुझे भी एक बार देखना है अंदर जाके कि वहाँ क्या होता है, एक तरह से उत्सुकता बन जाती है और लोग वहाँ जाने के लिए उत्सुक होके भी जाते हैं।
और एक बार ज़्यादा, हाँ एक बार खेलने में क्या जाता है, इसलिए ऐसे लिमिट से दूर रहना है, कसिनो से दूर रहना है, ऐसी जगहों से दूर रहना है जहाँ पे मांसाहार होने वाला हो, या ऐसे ग्रुप से दूर रहना है जहाँ मांसाहार होने वाला हो या अल्कोहल कंजम्पशन लोग करने वाले हो। अगर लिमिट से दूर रहेंगे तो ये सब से हम बच पाएंगे, कि हम लोग अभी इतने सात्विक नहीं है कि ऐसी जगह जाके अपने मन को कंट्रोल कर सके। आज यहाँ पे हम सब एक व्रत ग्रहण करेंगे जिसमें मद्यपान, हम आजीवन मद्यपान नहीं करेंगे, मद्यपान यानी कि हम एक्टिव स्मोकिंग नहीं करेंगे, हम अल्कोहल नहीं करेंगे, हम गांजा भांग एक्सेट्रा सब तरह के नशीली पदार्थ का ग्रहण नहीं करेंगे। भूल से अगर कोई मेडिसिन में आ जाए, कोई कफ सिरप या वगैरह में भूल से आ जाए, या स्वास्थ्य के लिए कोई चीज़ लेनी पड़े, तो वो आपको छूट है, वो आपको मजबूरी में छूट है। इसका मतलब फिर ये नहीं कि कफ सिरप पे कफ सिरप पीते चलो और मज़े करो, सबके हाथ ऊपर चाहिए। एक बार टेस्ट भी नहीं करना है, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। आपने अगर पहले टेस्ट किया हो, अब आगे चल के आपको वो नहीं पीना है, सबके हाथ ऊपर, आगे चल के नहीं लेना है। आपको पता है व्यसन आपके लिए खराब है और व्यसन आपके परिवार के लिए भी खराब है। आपका शरीर सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी नहीं, वो आपके परिवार की भी प्रॉपर्टी है। और जो व्यक्ति एक बार व्यसन में धुत हो जाता है, वो खुद का जीवन तो बिगाड़ता है, वो अपने परिवार का जीवन भी बिगाड़ता है। इसलिए अपने खातिर, अपने परिवार के खातिर, समाज के खातिर और राष्ट्र के खातिर हमें ये मद्यपान व्यसन से बचना है, बचकाना पड़ेगा। सभी जोर से ओसी रामी। और अब हमें अपने परिवार को भी व्यसन से बचाना है। हम लोग एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रख रहे हैं, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन या पेंटिंग कंपटीशन। आप सबको घर पे एक पोस्टर कुछ बना के लाना है जिसमें आपको व्यसन के दुर्गुणों को दिखाना है, जिसमें आपको व्यसन के साइड इफेक्ट्स बताने हैं, एडिक्शन के साइड इफेक्ट्स, एडिक्शन के इल इफेक्ट्स वो दिखाने हैं। ऐसा एक पोस्टर सबको बनाना है, तब सबको पोस्टर घर से बना के लाना है। आप उसे कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ें लगा सकते हैं, आपको जैसा लगे आप वैसा बना सकते हैं। व्यसन 7 प्रकार के हैं, अभी तक हमने सिर्फ 3 प्रकार के व्यसन समझे हैं, बाकी के व्यसन समझना बाकी है। तो आप 7 में से कोई भी व्यसन ले सकते हैं, या तो 7 व्यसन ले, 1 व्यसन ले, या सभी व्यसन ले, आपको जो लेना हो। तो ये ड्राइंग पेंटिंग या पोस्टर मेकिंग कंपटीशन समझिए, सबको घर से बना के लाना है। पोस्टर जब आपको बताया जाएगा तब यहाँ पे डिस्प्ले पे रखना है, लेकिन कहीं पे भी चिपकाना नहीं है। वो सब पोस्टर फिर आपको फ्रेम करके अपने घर पे लगाने हैं, बराबर। व्यसन मुक्ति के लिए ये पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है, तो आप सबको ये पोस्टर बनाने हैं। व्हाट्सएप के द्वारा भी आपको इस बारे में बताया जाएगा कि ये कंपटीशन है, कब सबमिट करना है, डेडलाइन क्या है। इसलिए अभी से शुरू करें और फर्स्ट प्राइज को लक्ष्य में रख के पोस्टर बनाना चालू करें। जी नज्ञा विरोध का पण बुलाई गए हुए तो मनोचन का नीचे विक्रम। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सब सावण मेस्व पंच नमकारो सभ पाव पणाचरण मंगलान सभ्यम परम भवे मंगलम।